नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हूं और मेरे साथ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, जो कि अभी प्रसपा के जिलाध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत कम समय में यहां प्रसपा का संगठन खड़ा किया था। और जिले में जहाँ तक मैंने देखा, बहुत जल्द इतनी जल्दी कोई कार्य नहीं कर पाया जितना डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने किया था। इन कार्यों को देखकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और डॉक्टर जितेंद्र जी के कुछ अभी दो चार दिन में, ये सात आठ दिन में कुछ ऐसी बातचीत हुई कि डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह यादव पुनः समाजवादी पार्टी में आए हैं और प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। और अब मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यूपी आवाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताएं कैसे ये छः सात दिन में एकदम प्रसपा और प्रसपा से लेकर समाजवादी पार्टी में कैसे ये सब कुछ हुआ? देखिए, हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में यहाँ काम कर रहे थे और हमारा पार्टी एक माध्यम होती है, लेकिन हम लोग गरीब और मजबूर जो लोग होते हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं, गरीब वोट काम करते हैं, हमारा बेसिक नेचर है। हम उस पर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले छः दिनों में कुछ पार्टी में काम करते करते कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जब भी आप कोई काम करते तो आपको एक फ्री हैंड मिलना चाहिए, आपको जो भी कर दिया गया उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, ईमानदारी से जब निभा सकते हैं, जब आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वेटेज या बाहरी कोई प्रेशर ना हो। और जब मैं अपने हिसाब से काम करूँगा तो रिजल्ट भी जो आएगा वो अच्छा है बुरा वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि मुझे जिलाध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन मेरे हाथों को बांधने का प्रयास किया, जो कि मैं स्वीकार नहीं कर पाया। अगर मैं हाथ बांध के काम करता तो नतीजे अच्छे नहीं आते तो मुझे उसका आरोप मुझ पर लगता, तो मैंने पहले ही उस चीज़ से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि अच्छे निर्णय ही देना ही बेहतर होता। जैसा कि आप प्रसपा छोड़ के जब समाजवादी पार्टी में आए, प्रदेश सचिव बनाए गए, अखिलेश जी से आपकी बात भी हुई, दो तीन बार बात भी हुई, मुलाकात भी हुई, काफ़ी उन्होंने आपके बारे में पूछा, जिले में उन्होंने तमाम लोगों से पूछा होगा, तब ये निर्णय लिया गया है। अब जबकि जो प्रत्याशी प्रसपा का जो लड़ रहा है, जैसे कपिल देव चेयरमैन है उदयपाल, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी के जाने से कुछ नुकसान नहीं होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, नुकसान या फायदा तो जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता लगेगा, भविष्य वक्ता तो नहीं है उदयपाल जी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी में आने की बात है, तो युवाओं में इस देश में अगर युवाओं का भविष्य किसी के हाथों में सुरक्षित है, वो माननीय अखिलेश जी के हाथों में सुरक्षित है। इतना पढ़ा लिखा और इतना परिश्रम से लवेज अगर कोई व्यक्ति हैं तो माननीय अखिलेश जी हैं, उनके नेतृत्व में ही सभी लोग सुरक्षित हैं। मेरी जब उनसे बात हुई, उनकी अपनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अपने सूत्र हैं, उनसे जो भी जानकारी मिली हो, कुछ परिस्थितियों पर हम लोगों की बात हुई। बात होने के बाद अंतरात्मा से मुझे आवाज़ आई कि गरीबों की, नौजवानों की, मजदूरों के लिए अगर मैं सेवा करना चाहता हूँ तो उसका माध्यम समाजवादी पार्टी हो सकती है। और जब मुझसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा तो मैंने उस चीज़ को स्वीकार किया और मुझे लगता है कि मैं एक सही रास्ते पर आ गया हूँ, जिससे मैं प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकूंगा, जिले के लोगों की सेवा कर सकूंगा, गांव गांव गली गली में गरीबों की, मजदूरों की, किसानों के लिए मैं काम करूंगा। अच्छा, गठबंधन जो मायावती जी के साथ हुआ है और इसमें जो जैसा कि उनका वोट बैंक है, जैसा माना जाता है, ये मोहम्मदन है, यादव है और मायावती का वोट जो कहा जाता है, तो इनको आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं? और तमाम बड़े बड़े चैनल कह रहे हैं कि गठबंधन बहुत मजबूत है, मोदी पर भारी पड़ रहा है, तो आप ऐसे में क्या कहना चाहते हैं, कितनी सीटें आ सकती है और कितना मजबूत है गठबंधन? देखिए, हमारी पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती, लेकिन जहाँ तक बात जो है पिछले जातियों की है, दलितों की है, तो हम लोग गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की और नौजवानों की बात करते हैं। अब ये एक विडंबना कहिए हमारे भारत में या उत्तर प्रदेश में कि जो गरीब हैं वो ज़्यादातर गरीब, मजदूर और जो किसान वर्ग से जो लोग आते हैं वो सब इन्हीं जातियों से आते हैं और उन्हीं का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके कहीं ना कहीं उनके हम प्रतिनिधि हो जाते हैं। और ये बहन जी के साथ जो गठबंधन हुआ, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़े स्तर की बात है, हम लोगों को निर्देश हुआ है काम करने के लिए, इसलिए हम बसपा के जितने भी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, हम लोग कंधे से कंधा मिला करके इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और फरुखाबाद की सीट को जीतकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अपने उनके हाथों को मजबूत करेंगे।
जैसा कि मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूं, और फर्रुखाबाद के लोग, आप चाहे सोशल के कार्य हों या मेडिकल क्षेत्र के कार्य हों, जैसा कि आपके आपने MBBS करने के बाद देश में कहीं और जाके भी स्थापित हो सकते थे, लेकिन फर्रुखाबाद के लोगों के लिए आपकी एक मन में धारणा क्यों रहती है कि फर्रुखाबाद के लोगों को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, अगर जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बना दिया जाए तो उसमें एक अलग ही संतुष्टि होती है। हर व्यक्ति जहाँ उसका जन्म होता है वो चाहता है वहाँ के लोग मुझे जाने, वहाँ के लोग मुझे पहचाने, वहाँ के लोग ये कहें कि कम से कम यहीं का हमारा जो जिसको बोलते हैं लोकल बॉय, उसका एक अलग ही काम करने का जो जीवन रहता है वो अलग रहता है। इसलिए मैंने अपनी जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाना बेहतर समझा, ताकि हमारे यहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ रही हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपने लोगों के बीच रह के अपने लोगों के लिए काम करूँ और अपना जीवन अपनों के लिए ही समर्पित करूँ, इसलिए मैंने फर्रुखाबाद को चुना। कल्याण सिंह की पार्टी जो जनक्रांति पार्टी थी, बहुत कम समय में आप जब चुनाव लड़े थे विधानसभा का तो आपको बहुत अच्छे वोट मिले थे और आपने पार्टी को यहाँ बहुत मजबूत किया था। ऐसे ही प्रसपा जो प्रगतिशील पार्टी है जो शिवपाल सिंह जी की है, आपने बहुत कम समय में फर्रुखाबाद के लोगों को एक तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों को तोड़ के प्रसपा में शामिल कराया था, तो क्या अब आपको लगता है कि आपके प्रदेश सचिव बनने पर वो लोग सारे वापस आएंगे पार्टी में और पार्टी के लिए काम करेंगे? देखिए, सारे वापस ही नहीं आएंगे। हम कहीं भी रहते हैं तो हमेशा हम समाज के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मेरा दिनचर्या गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की सेवा से शुरू होती है, और जब मैं रात में जाता हूँ सोने के लिए, विश्राम करने के लिए, तो मैं उन्हीं की सेवा के साथ मेरा समाप्त होता। गरीब लोग, मजदूर लोग, जो लोग पीड़ित हैं वो मेरे साथ रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ और वही मेरी ताकत, जिनकी मैं सेवा करता हूँ वही मेरी ताकत है, और मैं जहाँ पर भी खड़ा होता हूँ मेरे साथ वो लोग खड़े हो जाते हैं और मेरी ताकत बन जाते हैं। इसलिए चाहे जनक्रांति पार्टी खड़ी करने के बाद, तो आपने देखा होगा बहुत कम समय में जिले में खड़ी हो गई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बहुत कम समय में खड़ी हो गई, तो इन्हीं लोगों की वजह से खड़ी हुई। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे जो अपने लोग हैं, मेरे जो अपने समर्थक हैं, मेरे जो अपने साथी हैं, वही मेरी ताकत है। आपका जैसे आपके आगे सरनेम के आगे यादव लगता है, लेकिन आपसे यादव नहीं बल्कि पूरा जिले में हर जात के लोग आपसे जुड़े हैं, इसमें आपका क्या कहना है, मतलब क्या कैसे जोड़ते हैं आप लोग? नहीं, मैंने बताया मैं तो कर्म की राजनीति करता हूँ, मैं जाति राजनीति करता ही नहीं हूँ, और जात देखकर मैंने आज तक कोई काम ही नहीं किया। जात देखकर तो हमारे धर्म में ये बताया शादियाँ करें, अगर आपको जीजा चुनना है तो आप जात देखिए, वोट लेने के लिए कोई रिश्तेदारी करने के, उसके लिए अच्छे कर्म करिए, हर अच्छा व्यक्ति आप जुड़ेगा, आप अच्छे लोगों की सेवा की अच्छा व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, यहाँ पे जात का सवाल नहीं आता। जाति व्यवस्था की वजह से आज दुनिया में हिंदुस्तान को जिस लेवल पर होना चाहिए, हम उस पायदान पर नहीं है, सिर्फ जाति व्यवस्था की वजह से। अच्छा, जैसा कि अभी आप भी आपने सुना होगा, जैसे अभी प्रदेश सचिव बनाए जाने के बाद आपका तमाम जनपदों में रास्ते में स्वागत हुआ, जबकि आपने नहीं बुलाया फिर भी लोग आए, उनके लिए क्या आपका संदेश है? देखिए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं लखनऊ से चला था तो मुझे मालूम था लोग निश्चित रूप में रास्ते में मिलने आएंगे, तो मैंने इसलिए सभी को कहा है कि आचार संहिता है, हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और हमारे नेता, उनका हमेशा आदेश रहता है कि हम लोग एक सीमा में रहकर काम करने वाले हैं, अनुशासित लोग हैं, तो इसलिए हमने अपने नेता की जो हमारी छवि है उसको ध्यान में रखते हुए, अपनी पार्टी की छवि को ध्यान में रखते हुए, आचार संहिता का पालन करते हुए मैं यहाँ तक आया। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं, अति उत्साहित लोग थे, अपने लोग थे जो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, वो आ गए, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ आए, किसी प्रकार का कोई भी जोश में किसी ने होश नहीं खोया, इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन अक्षर साहब एक और है आपसे, कि जैसे जो BJP के लोग हैं, जगह जगह जाओ, मैं यहाँ की माननीय, क्योंकि आप प्रदेश सचिव हैं तो आपको पूरा उत्तर प्रदेश आपको देखना है, ना कि फर्रुखाबाद, तो मैं अन्य जनपदों की बात करता हूँ, कि जैसे सांसद जाते हैं तो वहाँ सांसदों पर लोग पत्थर भी फेंकते हैं फिर भी कहते हैं वोट मोदी को देंगे, तो आप ऐसे में उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ आपको चुनाव के लिए भेजा जाएगा या फर्रुखाबाद में जो मनोज अग्रवाल जो प्रत्याशी हैं आपके गठबंधन के, तो उनके लिए किसके लिए कैसे वोट मांगेंगे? देखिए, हम अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने विकास किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, और सिर्फ विकास की बातें की हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। भाजपा के लोग बात करते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग काम करते हैं। अब मैं आपको एक दो उदाहरण बता दूं कि लोग
भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक ये नहीं बताया कि स्मार्ट सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, सिटी को स्मार्ट कैसे कहलाई जाएगी, क्या उसमें बिजली की व्यवस्था कुछ सुधरेगी, क्या उसमें पानी की व्यवस्था कुछ सुधरेगी, क्या वहाँ की सड़कों का कोई अच्छा निर्माण होगा, क्या हम वहाँ पे कोई हाईटेक सड़कों का निर्माण होगा जिसपे कि लोग व्यवस्थित तरीके से चल पाए, एक्सीडेंट ना हो, ऐसी कोई भी नई चीज़ डेवलप, सिर्फ नाम लिखने से स्मार्ट सिटी नहीं बनाती। एक भी स्मार्ट सिटी आप हमें बता दीजिए, और जैसे कि लोग बताते हैं एक पहले की तस्वीर रख दीजिए, एक बाद की तस्वीर, जैसी 5 साल पहले जिस चौक पे खड़ा होकर आपने फोटो खिंचाई, आज जाइए उस चौराहे पे दोबारा फोटो खिंचाइए, आपको कैसे आएगी, कहीं पे कुछ भी स्मार्ट नहीं हुआ, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज होगा, इसके अलावा तो और कुछ हुआ नहीं। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की राजनीति करती है, वो इतिहास मिटाने की राजनीति हमेशा करती है, सोचती है कि नाम बदल दो सब कुछ खत्म कर दो, जो कुछ जिम्मेदार है आज मोदी जी हर चीज के लिए, नेहरू जी को जिम्मेदार, अरे जो व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं चला गया वो अगर इनके लिए जिम्मेदार है, ये इतना उनसे डर रहे हैं तो वर्तमान वाले से क्या ये मुकाबला करेंगे। ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, मेरे साथ यूपी की आवाज अनूप गंगवार।